वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा कि मैंने इस पिक्चर को कैसे एडिट किया। अगर आपने भी इस तरह एडिटिंग करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तीन चार मिनट का वीडियो है बस। इसके देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने पिक्चर को लाइट रूम के अंदर शेयर करना है। अगर आपके पास लाइट रूम ऐप है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। शेयर करने के बाद ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद अपनी पिक्चर को देख लेना है कि यहाँ पर शेयर हो गया कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा पिक्चर यहाँ पर शेयर हो गया। तो आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और इस वाले पिक्चर पर आ जाना है। देन यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाना है। इस वाले पिक्चर का लिंक आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको कॉपी सेटिंग कर लेना है। आपने इसे यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद आपने बैक आना है एंड आपने जो पिक्चर हमने गैलरी से शेयर किया है वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद ऊपर थ्री डॉट्स पर जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट सेटिंग, आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप मैं दो तरह की सेटिंग बताऊँगा। अगर आपका पिक्चर कुछ मतलब कि HD क्वालिटी का नहीं है तो आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, डिटेल पर आ जाना है और इसको थोड़ा कम कर देना है। अगर आपका पिक्चर HD क्वालिटी का नहीं है तो अगर आपका पिक्चर फुल HD क्वालिटी का है तो आपने इसे बस ऐसे ही रहने देना है। एंड देन यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है, नीचे कलर पर आ जाना है। यहाँ पर आप मिक्स पर जाना है और ग्रीन पर आ जाना है और आपने यहाँ से अपने बैकग्राउंड को फिर से वापस लाना है। एंड देन आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, लाइट रूम में हमारा काम ख़त्म हो गया। शेयर पर क्लिक करते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर टू, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्केचबुक एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब फेस को स्मूथ करना बाकी, आपने यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आपने इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग देख ले, साइज आपने थोड़ा बड़ा रखना है। देन फ्लो को 5, स्ट्रेंथ को 4% में इसको डन कर दे। डन करने के बाद फेस को स्मूथ कर लेना है, साइज को थोड़ा बड़ा रख लेना है ताकि फेस पर ब्रश का निशान ना आ जाए। और एक बात यहाँ से ध्यान से सुनो कि यहाँ पर भी शेडो है, मतलब कि यहाँ पर शेडो है तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है वरना ये सब मिक्स हो जाएगा। आपने जहाँ पर शेडो है वहाँ पर अलग से करना है और जहाँ पर लाइट हो आपने वहाँ पर अलग से कर देना है। तो फाइनल गाइज, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने पिक्चर को कैसे एडिट किया। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ भी आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको पिक्चर एडिटिंग नहीं आता तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर अपने पिक्चर भेज सकते हो और मैं आपके लिए एडिट करूँगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लेना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा।